नमस्कार दोस्तों, रालीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये खबर हम आपको ये जो इस वीडियो में हम बताएंगे ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा सिवा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल चैनल है उसके अलावा, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी हमने रिसर्च किया है, सर्च करके जानकारी आपके लिए लेकर आए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की निर्मला सीतारमण जी, तो उनसे जब एक सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा, क्या मॉरेटोरियम एक्सटेंशन दिया जाएगा, क्या मॉरेटोरियम एक्सटेंशन से लेके कुछ चल रही है डिस्कशन, तो इस पे निर्मला सीतारमण जी का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने बताई, क्या मॉरेटोरियम बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम आपको इस पे बताएंगे, वो भी प्रूफ के साथ में। दोस्तों तो सबसे पहले आप ये जान लो जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन होने के चांसेस है या नहीं है, ठीक है। तो इस पर कई सारे वीडियोस हम आपको अर्लीवुड यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में, कंप्लीट एनालिसिस के साथ, तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। और अब मेन बात आती है, जो निर्मला सीतारमण जी से जब पूछा गया जो क्या मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस पर निर्मला सीतारमण जी का जवाब था ठीक है, इन द सेंस ओके, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आप यहाँ से ये वाली जो हम क्लिप है, ठीक है, हम आपको चलाते हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इंडिया का, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। ये चैनल देखिए PIB इंडिया, और ये सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन हम कर लें ऑथेंटिक है या नहीं है। ये देखिए, ये ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नोडल एजेंसी फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग टू मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, PIB। अब आपको हमने प्रूफ भी दिखा दी, और आपको हमने अब जो हम दिखा रहे हैं आपको ये PIB इंडिया, ये यही है। अब इसको ये वाली जो आप प्ले करेंगे PIB इंडिया की, तो ये यहाँ पे आपको 1 घंटा 17 मिनट 19 सेकेंड के बाद की वाली जो प्ले है, अब ये हम आपको सुनाते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे सुनना जब इन मैडम से पूछा जा रहा है, पूछते हैं प्रेस वाले, सो क्या मॉरेटोरियम एक्सटेंशन को लेके जो सैलरी क्लास पर्सन है उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उन पर कुछ क्या मॉरेटोरियम ड्यूरेशन बढ़ाने रिलीफ हो सकती है कि नहीं, तो मैडम बोलती हैं इट्स ओके। और मैडम का जो बॉडी पोस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी हैप्पी वाली है, ठीक है ना। आप चेक करना, मैडम काफ़ी हैप्पी होके प्लीजर मोमेंट में मीन्स खुश होके बोलती है इट्स ओके, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं मैडम की हाव भाव से, मैडम की जो बोलने का अंदाज है, किस हाव भाव में मैडम बोल रही है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हो जो मॉरेटोरियम एक्सटेंड होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अब आप बहुत कुछ, जब मैडम से सवाल पूछा गया ये वाली, तो मैडम काफ़ी लाइटली और काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बताया ठीक है। तो मतलब जो ये ऑफिसर लोग हैं, ये तीन ऑफिसर हैं, तो इनकी तरफ देखते हुए भी और मीडिया की तरफ भी देखते हुए मुस्कुराते हुए मैडम ने बोली ठीक है। तो ठीक है का मतलब अभी आप देश में सिचुएशन कैसी है वो मैडम को भी मालूम है, किस हालात से देश गुजर रहा है, और लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग पे कहाँ से कैसे करेंगे। तो मैडम तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैडम ने बोली ठीक है। तो यदि इस पर कुछ और मैडम को बोलना होता, जो हम RBI से अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास फीडबैक आना बाकी है, ठीक है, तो ये सारी बातें होती तो मैडम वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देती उनको, ठीक है ना। अभी कुछ क्या रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट मांगेंगे, ये मांगेंगे, तो काफ़ी कुछ बोल वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती थी मीडिया को, लेकिन उन्होंने एक लाइन में जवाब दी ठीक है। और बॉडी पोस्चर मैडम की कैसी थी, काफ़ी हैप्पीनेस वाली, प्लीजर वाली, मींस हंसते मुस्कुराते हुए मैडम ने बोली ठीक है, ठीक है। तो जब जी बिजनेस वाली जो पत्रकार था, उन्होंने पूछी जो मैडम क्या कुछ इंक्रीज हो सकता है, मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है, लोगों की सिचुएशन ख़राब है, तो मैडम ने क्या बोली ठीक है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो मतलब आप समझ सकते हो जो चांसेस इसकी बहुत ही ज़्यादा है जो एक्सटेंड होने का, मॉरेटोरियम एक्सटेंड होने का, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको हमारे चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो भी प्रूफ के साथ मिलती है। अब देखिए एक और आर्टिकल हम आपको दिखाते हैं,
ये है मोरिटोरियम एक्सटेंशन, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे scroll.in ये देख रहे हो टॉप स्टोरी, काफ़ी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है ये मोरिटोरियम एक्सटेंशन, टॉप टॉपिक में देख रहे हो आप यहाँ पे scroll.in ने छापा हुआ है, ठीक है हमने जो बताया ना आपको scroll.in भी छापा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए कब छापा है इन्होंने, स्क्रॉल छापा है, स्क्रॉल पे आपको मिलेगा ये इनका भी स्टोरी है ये यस्टरडे का, यस्टरडे यानी आज है 18 तारीख और आपके लिए हम बना रहे हैं, टाइमिंग भी हम आपको दिखा देते हैं आज का कितना टाइमिंग है, करंट टाइमिंग ये देखिए करंट CURRENT करंट टाइम, ठीक है अभी की जो टाइम हो रही है 6:16 मॉर्निंग हो रही है, ठीक है AM हो रहा है 6:16 AM और हाँ 6:16 AM पे हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट है आज 18 मई ठीक है ना मंडे को, तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो लाते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो अब ये देखिए ये 12 घंटा पहले का है, तो यानी कल यानी इवनिंग का इनका इन्होंने रिपोर्ट ये वाली रिपोर्ट छापी हुई है, अपना रिलीज किया हुआ है इन्होंने भी, तो हमने भी आपको प्रूफ के साथ दिखाया, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सब यहीं से रिलीज होती है, इसी पे ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये हमने दिखाया जो मैडम किस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में प्रूफ के बोल रही हैं जो ठीक है ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो जो मॉनिटर में एक्सटेंड होने का चांसेस जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए संभावना जता सकते हैं, और मैडम ने भी जो कि अपनी बॉडी पोस्चर से बॉडी लैंग्वेज से बता दी जो हाँ मतलब बढ़ने का चांसेस है, ठीक है यदि कुछ इधर होता नहीं चांस होता तो बोलती अभी रिपोर्ट आना बाकी है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है या फिर कुछ और भी समस्या होगा तो वो मैडम बताती, तो लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन में दो वर्ड ही बोला ठीक है मीन्स ओके, ठीक है ना। तो अब आप में मैडम ने घुमा फिरा के आंसर भी बता दी, ठीक है। तो अब जब RBI ऑफिशियली अनाउंस करेगा वो बहुत ही जल्द, क्योंकि RBI ने जो पिछला अनाउंसमेंट किया था मार्च के महीने में एक्सटेंशन का, तो वो किया था 27 मार्च को, ठीक है ना 27 मार्च को किया था, जो कि हमने आपको बताया हुआ है इस वाले वीडियो में, कहाँ गया वो वीडियो, ये वाली है कहाँ गया RBI ये मॉनिटरिंग एक्सटेंशन इस तिथि को जारी, ये इस वाले में, ठीक है ये वाली वीडियोस को आप देखोगे तो इसमें हमने डेट भी रखा है, तो उस डेट तक यानी आप ये मान के चलना जो 27 मई तक एक्सटेंड होने का चांसेस है, जो RBI ऑफिशियली भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमने ये वाली फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनका क्लिप हमने दिखाया आपको जो मॉनिटरिंग एक्सटेंड हो सकता है, और इस पे इनका मैडम का जवाब था ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही आपको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, एनालिसिस करके हमने आपको बताया। सो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पे सबसे पहले और सबसे बड़ा मॉनिटरियम का चैनल आपको अर्लीवुड ही है, जो मॉनिटरियम से रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारी देता है। आप ये सब्सक्राइबर पे मत जाना, जो सब्सक्राइबर इतना कम है तो आप सर कैसे बोल रहे हो जो सबसे बड़ा चैनल है, तो आप उस पर नहीं जाना है, आपको ये देखना है जो मॉनिटरियम से रिलेटेड हमने आपको कितने सारे जानकारी दिया है, ठीक है ना। लगभग 250-300 वीडियोज हैं, आपको मिल जाएगा इस पर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि सही वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।